तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये सत्संग की जो गंगा बह रही है इसमें आप सुन रहे हैं सत्संगी भजन, निर्गुण भजन। भजन बहुत ही प्यारा है, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। और बात अटल सत्य है, यही सत्य है। कोई किसी को नहीं मारता और ना कोई किसी को दुख देता है ना सुख देता है। हर जीव अपने कर्मों से ही सुख और दुख भोगता है। उसका जन्म और मरण कर्मों के द्वारा ही होता है। कर्मों से ही हमें अपने जीवन में योनि प्राप्त होती है, श्रेष्ठ योनि, चाहे वो पशु की योनि हो चाहे वो मनुष्य की योनि हो। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है, लेकिन जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ये मानव का शरीर है। अब सोचिएगा, जैसा भजन वैसी बात। मेरे प्रभु राम ने जब छिप करके बाली को मारा, प्रभु ने एक बात कही, यहां भी यही बात सटीक बैठती है, तुम्हें मार करके क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। बाली, हम मारने वाले नहीं हैं, हम किसको मार सकते हैं। हर एक जीव इस संसार में अपने कर्मों से ही मरता है। तुमने जो कर्म गलत किए हैं, जो काम गलत किए हैं, उसके कारण मुझे तुम्हें मारना पड़ा। मैं नहीं मार सकता तुम्हें, और मैं कौन हूं जो मार दूं तुम्हें। हर व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है। इसलिए मेरे भैया और मेरी मैयाओ, हमें अपने कर्मों पर विचार करना है, सोचना है, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन में हमारा साथ देंगे, यहां भी और जब परलोक में जाएंगे तो वहां भी। इसलिए आप अपने जीवन में अपने कर्मों को सुधारिए और जीवन में अच्छे प्रकार से जीवन को जीते चलिए। सुनते ही इस भजन को, बड़ा ही प्यारा भजन है, आपके बीच में लेकर के आया हूं। सुनिएगा मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, इस सत्संग के महाप्रभु में निर्गुण भजन के द्वारा कितनी मार्मिक बात कही गई है। हर जीव अपने कर्मों से ही मरता है, कर्मों के द्वारा ही जीवित रहता है। सुनिएगा, ओ तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। प्यारे सुनिएगा, को न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों से ही सब कुछ भोगता है इंसान। ओ तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जाए और कोई घटना घट जाए, हम द्वेष लगाएं, हैं? लेकिन ये गलत है। प्यारे, हर जीव का समय निश्चित है, हर जीव के लिए सुख और दुख निश्चित है। चरण में तुम्हारे, हम राम जी के, राम जी हमारे,
में तुम्हारे, हम राम जी के राम जी हमारे। ये सारी दुनिया है एक भरम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। प्यारे हम अपने कर्मों से ही मरते हैं। सोचिएगा जब कोई जीवन में संकट आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, निज कृत कर्म भोग सब खाता, ये गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। कर दे तेरी जिंदगी को बना रख दे, क्रोध की अग्नि तुझे खाक कर दे तेरी जिंदगी को बना रख दे। करेगा न कोई तुझ पे रहम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। ये काम और क्रोध और मद और लोभ, ये हमारे तुम्हारे बहुत बड़े शत्रु हैं प्यारे, ये जिंदगी को राख बना देते हैं। इनसे बचकर के रहना भैया, इनसे बचकर के रहना। ये कभी रहम नहीं करते, हम खुद क्रोध करते हैं और खुद हमारा ही नाश करते हैं, ये ऐसी हैं। जीना और मरना है सबकी कहानी, है ये दीवानी। जीना और मरना सबकी है कहानी, मौत जिंदगी की होती है दीवानी। एक दिन निकल जाएगा, एक दिन निकल जाएगा ये तेरा दम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तो आप सभी सुन रहे हैं निर्गुण भजन संगीत और सत्संग। भजन बड़ा ही सुंदर है, जब माटी की कुटरिया पे काहे को गुमान करे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुमान करते हैं, हर व्यक्ति नहीं। जिनको ज्ञान है, जिनको आत्मज्ञान है, वो कभी गुमान नहीं करते, ना धन का, ना माया का, ना काया का, ना सर। बड़ी सुंदर चर्चा, राहत। एक बात कहूंगा प्यारे, जो विचार आत्मा से निकलता है ना,
वही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। कहां से निकलता है? आत्मा से। जो आत्मा के विचार होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप आत्मा की सलाह से काम करते रहेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आत्मा कभी गलत काम करने के लिए आपको आज्ञा नहीं देगी। कभी आपने सोचा होगा गलत काम करने के लिए, तो आत्मा मना करेगी, लेकिन मन कहेगा जो होगा सो देखा जाएगा, चल है? क्योंकि इंद्रियों में भी एक महाभारत का युद्ध चलता रहता है। ये मन है ना, बड़ा चंचल है, मन अपनी ओर खींचता है इंद्रियां। आत्मा कभी गलत करने काम करने के लिए आज्ञा नहीं देगी। और आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे मोदी जी भी चला रहे हैं आत्मनिर्भर भारत है? अरे दूसरों के भरोसे दूसरों की नकल करना, दूसरों से कुछ खरीदना, अरे अपने से कुछ बनाओ बेचो, अपने को आगे बढ़ाओ, उसे ही आत्मनिर्भर कहते हैं। इसीलिए आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ईमानदार व्यक्ति ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, संपत्ति है। ईमानदार जो व्यक्ति है, जिसे शांति की तलाश है, वो अपने अंदर ही तलाश करें, कहीं दूसरी जगह शांति मिलने वाली नहीं, अपने अंदर है। ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो हम तुम ना कर सकते। हर एक काम आसान है। आत्मा प्रशंसा की चाह ना रखे। और यही सत्य है कि आत्मा जो है कभी प्रशंसा की चाह नहीं रखती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। खास व्यक्तियों की खास पहचान है मुस्कुरा, इसलिए मुस्कुराते रहिए और मुस्कुरा करके जिए। जीवन थोड़ा सा है, आइए सुनते हैं इस भजन को, बड़ा ही प्यारा भजन है। हाँ तो सुनिएगा मेरे भगवत प्रेमियों, ये आपके जाने पहचाने योगेश महाराज के द्वारा निर्गुण भजन का महा संगम चल रहा है। इसमें सुनिएगा, ये पांच तत्व का जो शरीर है, उन पांचों तत्वों में ही मिल जाता है, इस पर अभिमान क्यों और कैसा सोचिएगा। जमाटी की कुटरिया पे हो, जमाटी की कुटरिया पे काहे को गुमान करे, माटी की कुटरिया पे काहे को गुमान करे। काहे को गुमान करे, काहे अभिमान करे प्यारे, काहे को गुमान करे, काहे अभिमान करे। जमाटी की कुटरिया पे, जमाटी की कुटरिया पे काहे को गुमान करे, माटी की कुटरिया पे। बार बार उस दर्पण को देखता है, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना बलवान हूं, मैं कितना यौवनवान हूं, लेकिन प्यारे ये सुंदर भी काया जो है ना, एक दिन माटी में मिल जाएगी। अरे पांच तत्व मिले बनी ये काया, झूठी काया ये झूठी माया, हो पांच तत्व मिले बनी ये काया, झूठी माया ये झूठी काया।
जाए छोड़ जग को, हो जब जाए छोड़ जग को, क्यों ना विचार कर माटी की कुटरिया पे काहे को गुमान करे। तेने समझ रखे हैं मेरे, माई बाप भाई सब तेरे समझ रखे हैं तेने मेरे, अरे सुख में सब साथ रहे, अरे सुख में सब साथ रहे, दुख में न ते जमाटी की कुटरिया पे काहे को गुमान करे, काहे को गुमान करे, काहे अभिमान करे, काहे को गुमान करे, काहे अभिमान करे, माटी की कुटरिया पे काहे अभिमान करे, माटी की कुटरिया पे। भाई माई भाई बाप ये सब हमने अपने समझ रखे, लेकिन ये लौकिक रिश्ते हैं। इस दुनिया में इसे जाने के बाद कोई ना भाई है ना कोई माई है ना कोई कुछ है। अरे साथ चलेंगे सब मरघट तक, साथ चलेंगे सब मरघट तक, छोड़ के जाए दुनिया को जब, साथ चलेंगे सब मरघट तक, छोड़ के जाए जब दुनिया तक, अरे चलो जल्दी कहे जल्दी, हो चलो जल्दी कहे जल्दी, लगाए न फेरे माटी की कुटरिया पे काहे को गुमान करे, काहे को गुमान करे, काहे अभिमान करे। काहे को गुमान करे, काहे अभिमान करे। माटी की कुटरिया पे काहे को गुमान करे, माटी की कुटरिया पे काहे को गुमान करे, माटी की कुटरिया पे काहे को गुमान करे, माटी की कुटरिया पे। वो कैसी भक्ति करते थे? निष्काम भक्ति करते थे, यानी जो यज्ञ हवन दान पुण्य धर्म जो कुछ करते थे उसका जो फल प्राप्त होता था उसको भी भगवान को ही अर्पण कर देते थे। ऐसे थे हमारे भरत जी। आमेन कर्मणा नमम नमम प्रियतम नमम नमम, यानी जो कुछ उन्हें प्राप्त होता उसको भी भगवान को अर्पण करते।
तो ये है निष्काम भक्ति। लेकिन आज का दौर कैसा आ गया, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले अपनी इच्छाएं रख देंगे, प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो मैं आपके नाम का कीर्तन करूंगा, मेरा परिवार खुशहाल रहे तो मैं आपके नाम का प्रसाद बांटूंगा, मेरा कारोबार अच्छा चले तो मैं तुम्हारे नाम की खता कराऊंगा। प्यारे क्या वो तेरा नौकर है? हम नौकर की तरह व्यापार करते हैं, सोचिएगा। पहले मेरा ये काम हो जाए उसके बाद, क्या वो तेरा नौकर है जो तेरे कहने से पहले तेरा काम करेगा उसके बाद में? कितनी हम गलती करते हैं, कितनी हम भूल करते हैं। लेकिन मेरा एक ही कहना, अगर आपको प्रभु को पाना है तो दीनहीन ज्ञान धन बल ये सब कुछ त्याग करके जिस दिन तुम परमात्मा के सामने बैठ जाओगे ना और कहो हे प्रभु मैं तो बड़ा ही दीनहीन और गरीब, बड़ा ही अज्ञान, बड़ा ही पापी, बड़ा ही दुराचारी हूं, जैसी भी टूटी फूटी मैं सेवा करता हूं, आप जो दोगे मैं उसे स्वीकार कर। प्यारे वो सबके मन की जानने वाली है, क्या छिपा है, तू अपना कर्म कर, फल तो वो देगा ही देगा। और उनके एक ही विचार रहते हैं, जिनके विचार यानी जो ऐसे भक्त होते हैं ना, निष्काम जो भक्ति करते हैं, मोसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषय भव भीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, आपके समान कोई दीनों पर हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार जब हम बना लेंगे ना, तो ये जन्म मरण का जो चक्कर है ना, भय है, ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सत्संगत और हर कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी के उघर। सत्संग और हरी कथा बड़ी ही दुर्लभ है, धन दौलत तो एक पापी के घर भी मिल जाती है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात और बताऊंगा अंत में, सत्संग करने से कोई धार्मिक नहीं होता है प्यारे, सत्संग करने से कोई धार्मिक नहीं होता है, लेकिन सत्य का संग करने से अवश्य धार्मिक हो सकता है। इसलिए सत्य का संग करो। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा क्या बताया है सिर्फ। हाँ तो लीजिए मेरे संगीत और सत्संग प्रेमियों, क्या बताया है धमाकेदार ये चेतावनी भजन सुनिएगा योगेश महाराज के द्वारा। का
मेरे जीवन की जो मुरझाई हुई कली है ना, हे मेरे दादा, बस मुझे तेरा दीदार चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। तेरी कृपा तो हर एक जीव पर है, हे प्रभु, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, स्वामी तेरे सुमिरन का, दाता तेरी कृपा हो जाए तो ये सफल जाए। मैं तो किसी लायक नहीं था, अगर तेरी कृपा हो जाए तो मैं किसी लायक बन जाऊं। साधिए, कृपा कीजिए, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, क्योंकि मेरे प्रभु मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सवार ले, बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, समझाता हूं उतना ही मचलता है मेरे दाता। इस मन को सिर्फ शांत कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि मन आपके चरणों में लगा रहे, कभी आपसे दूर ना हो, कभी आप को भूले ना।
तमन्ना है। बस एक ही तमन्ना है और वो क्या हे नाथ मेरे दिल की, बस एक तमन्ना है। ओ सुमिरन और चिंतन में, ओ सुमिरन और चिंतन में मेरा दम ही निकल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, स्वामी तेरे सुमिरन का, तो सुनिएगा मेरे। लेकिन एक बात और कहूंगा प्यारे, सपने वो नहीं पूरे होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो नहीं पूरे होते जो सोने पे आते हैं, सपने पूरे वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने पूरे वही होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने वो नहीं होते प्यारे जो रोने पे आते हैं। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं प्यारे, अपने तो वो होते हैं जो कभी रोने ही नहीं देते। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। यानी जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमारथ और मोक्ष की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंदों को पकड़ करके वो आकाश में चढ़ना चाहता है। अर्थात जैसे वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश पर चढ़ना असंभव है, ऐसे ही बताया गया है कि राम नाम का जप किए बिना कभी भी हमें परमारथ की प्राप्ति हो नहीं सकती। यानी सुख की शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती है। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन पहला सुख निरोगी कहाया, दूजा सुख धर्म में माया, तीजा सुख पुत्राज्ञाकारी और चौथा सुख सुलक्षणा नारी। धन से कभी आपको सुख नहीं मिल सकता है, परिवार से कभी आपको सुख नहीं मिल सकता है, संतान से कभी आपको सुख नहीं मिल सकता है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या संतान से राजा सगर को सुख मिला? कितना बड़ा परिवार था रावण का, क्या परिवार को, उस रावण को परिवार से सुख मिला? नहीं। पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी काया स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, तभी तो हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया डायबिटीज है,
कैंसर है, ये है, फलाना है, ढिकाना, अनेकानेक रोग जब शरीर में लगे पड़े हैं, तो बताओ वो एसी का मकान, एसी की कोटी, एसी की गाड़ी, एसी का सब कुछ, ये सारी सुख सुविधाएं, ये लाखों करोड़ों पैसा क्या काम का? जब डॉक्टर ने मना कर दिया है, आप कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकते हो, चीकना खा नहीं सकते हो, पकवान खा नहीं सकते हो, मीठा खा नहीं सकते हो, एसी में ठंडे में रह नहीं सकते हो, बताओ वो पैसा जो कमाया किसके लिए? दूसरों के लिए। इसलिए ध्यान सुनिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी काया स्वस्थ है तो पैसा भी कमा सकते हैं और इन सारी व्यवस्थाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इसलिए राम नाम अवलंब बिन परमारथ की, यानी राम के नाम के जप किए बिना परमारथ की कभी प्राप्ति असंभव नहीं है। इसलिए राम को साथ में रखो। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा शिरत। हाथ तो लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा ही सुंदर निर्गुण भजन जो आज के जमाने की तस्वीर और आज के जमाने के आधार पर लेकर के आए हैं। सुनिएगा क्या हाल है जमाने का, क्या हाल है जमाने के लोगों का। ओ हमने जग की अजब तस्वीर देखी, ओ हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं। क्या हाल है जमाने का प्यारे, अगर किसी को पूछे कि आप सुखी हो तो नहीं, एक सुखी है तो हजार दुखी है प्यारे, ये जमाने की हालत। हमने प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, हमने प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं। सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं करोड़ों आँखों में, हाँ तो एक सुखी यहाँ लाखों में, हमने सुख से सोगुनी यहाँ पीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं। करोड़ों की आंखों में आंसू मिलेंगे, ये दुनिया का हाल है। आज की जनरेशन में, आज के दौर में, आज के समय में इंसान अपने
दूसरे के सुख से बहुत बड़ा दुखी हो चुका है। ये हाल ये मति बना ली है आज के इंसान ने। और सुनिएगा क्या लिखा है कवि ने, कलम उठाया और बड़ी सुंदर बात लिखी। अरे कुछ बोल प्रभु तेरी क्या माया है, तेरा खेल समझना आया है, हाँ कुछ बोल प्रभु तेरी क्या माया है, तेरा खेल समझना आया है। हमने पढ़ पढ़ हो हमने पढ़ पढ़ हर ये तकदीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं। यारे क्या हाल है दुनिया का, प्रभु की इस माया को समझना बड़ा दुष्कर है। कैसा खेल है, कैसी माया है हरि की। सभी वेद और शास्त्रों को आप पढ़ करके देख लिएगा, सभी में यही हाल मिलेगा, सुखी कोई नहीं है। दौलत है पर रोता है, कोई दौलत है पर रोता है, वो ना चैन की नींद सोता है, हाँ कोई दौलत देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं। हाँ तो मेरे सत्संग के प्रेमियों, चलते हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। एक शहर में एक सेठ के चार पुत्र थे और बड़ा ही गर्व करता था, ना कभी तीर्थ ना कभी गंगा, कभी किसी के दरबार नहीं जाता देवी देवता के, केवल माया के मोह में लगा था। कोई भक्ति का भाव नहीं। एक दिन एक बुढ़िया उसके दरवाजे पे आ गई, कहने लगी अरे सेठ जी मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए तो आपकी बड़ी ही दया होगी।
मगर सेठ अपनी ऐट में नहीं बोला, कहा अरे बुढ़िया चल 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 भाग, मैं किसी को दान नहीं देता। कुछ दिन के पश्चात समय व्यतीत होता हुआ जा रहा है। एक दिन वो सेठ बीमार हो जाता है। हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचे उसके बेटे तो डॉक्टरों ने हजारों लाखों का बिल बना दिया। बेटे बड़े चिंतित हो गए कि हमारा ये धन डॉक्टर खा रहे हैं। सेठ को बड़ी चिंता लग गई। कुछ देर के बाद एक संत जी भ्रमण करते हुए पास में आए और बोले, हे सेठ, आपने कुछ इन हाथों से दान किया होता, गरीब लोगों की सहायता की होती तो शायद आपकी हालत ना होती। सेठ अकड़ कर बोला, हे संत, क्या मुझे उपदेश दे रहा है? नहीं महाराज, मैं उपदेश नहीं दे रहा। केवल मैं तो ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा कभी हरि का भजन कर लिया होता या गरीब लोगों की सहायता की होती तो आपकी ये हालत ना होती। तो संत की बात एक ना मानता है सेठ, संत को भगा देता है। कुछ समय बाद सेठ की जाने की तैयारी हो जाती है तो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि अगर मैं कुछ कर लेता तो मेरे काम आता। संत फिर पहुंच जाते हैं तो कहा, अरे सेठ, थोड़ा सा भजन कर ले जाते जाते, क्योंकि ये तेरे कर्मों का खाता, ये राम का नाम तेरे वहां काम आएगा। देखिए, ये अहंकार, ये अभिमान किसी का नहीं रहता। कुछ समझ में आ गई सेठ के, संत जी के क्षणों में गिर पड़ा और कहता है, हे प्रभु, अब तो मेरी अंतिम सांसें हैं, इसलिए भक्तों जितना भजन कर लो, इस दौलत से मोह हटा लो, उतना ही तुम्हारे काम आएगा। ये दौलत काम आने वाली नहीं है। कहते कि जिस दिन ये मौत से आजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, जाना पड़ेगा। इसलिए इस भजन के माध्यम से संत जी बताते हैं क्या, सुनिएगा। हरी नाम तेरे आवे काम, बंदे काय करे अभिमान रे, दुनिया से तुझको जाना है। रटि हरी नाम तेरे आवे काम, बंदे काय करे अभिमान रे, दुनिया से तुझको जाना है। हरी लख चौरासी यौन भोग कर मिली मानुष की काया, लख चौरासी यौन भोग कर मिली मानुष की काया,
सुंदर काया जोड़ी माया तूने भुला दिया भगवान रे, दुनिया से तुझको जाना है। रटी हरी नाम तेरे आवे काम बंदे का ये करे अभिमान रे, दुनिया से तुझको जाना है। हारी खोटी धंधे में भयो बाबरो जोड़ी रयो धनु माया, खोटी धंधे में भयो बाबरो जोड़ी रयो धनु माया। मानस भैया तू धरती पे आया, तू भूल गया प्रभु को भूल गया, तू रहा ये अपनी ठान रे, दुनिया से तुझको जाना है। रटी हरी नाम तेरे अब काम बंदे का ही करे अभिमान रे, दुनिया से तुझको जाना है। बताते हैं कवि, हरि क्यों कहता है मेरा मेरा उड़ जाए हंस अकेला, हरि क्यों कहता है मेरा मेरा उड़ जाए हंस अकेला। निकाल भरम कर अच्छे करम, अब समय को ले पहचान रे, दुनिया से तुझको जाना है। रटी हरी नाम तेरे अब काम, रटी हरी नाम तेरे अब काम बंदे का ही करे अब।